नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी YouTube चैनल SJ Traders में। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को यानी शुक्रवार को क्या किया। दोस्तों शुक्रवार को उसका ओपनिंग हुआ था 38,567 पे और उसका क्लोजिंग आया है 38,500। उसने हाई मारा 38,790, जबकि गुरुवार का उसका क्लोजिंग हुआ था 39,000। मैंने आपको बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तभी ये ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ था, गुरुवार को डाउन जोन्स 500 पॉइंट माइनस में था और शुक्रवार को SGX निफ्टी माइनस ओपन हुई थी। उसकी वजह से हमारा मार्केट यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों माइनस में ओपन हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं कि सोमवार को बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। इसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं फ्रेंड्स। 15 मिनट की चार्ट में आप चेक करोगे, अगर बैंक निफ्टी मुझे लगता है माइनस में ही ओपन होगी। अगर सोमवार को बैंक निफ्टी 38,350 के नीचे जाती है या इसी जोन में ओपन होती है, कौन सा जोन रहेगा हमारा फ्लैट जोन में बता देता हूँ पहले आपको। ये हमारा रहेगा फ्लैट जोन, बराबर। इसको मैं निकाल लेता हूँ। अगर सोमवार को निफ्टी इसी जोन में ओपन होके 38,376 ब्रेक करती है डाउन के साइड में, तो उसका पहला टारगेट आएगा 38,150 और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन में उसका 37,900। और अगर ऊपर की साइड में निकलता है सोमवार को 38,600 ब्रेक करता है, तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 38,700 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 38,800। और अगर उसको भी ब्रेक करेगी तो उसका टारगेट आएगा, ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आ सकती है बैंक निफ्टी, और उसका टारगेट आएगा 38,900। फिर मुझे लगता है कि सोमवार को भी ये बैंक निफ्टी राउंड में ओपन होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी आप चेक करोगे न्यूज़ में तो रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ टसल चल रही है, उसके कारण मार्केट नेगेटिव है। अभी पूरे वर्ल्ड मार्केट पूरे नेगेटिव है, तो हम देखते हैं सोमवार को क्या होगा। अगर ये न्यूज़ नेगेटिव ज़्यादा होती है तो सोमवार को भी बैंक निफ्टी नेगेटिव यानी माइनस में ओपन हो सकती है। अगर माइनस में ओपन हो सकती है तो कहाँ तक हो सकती है, 38,150 के आसपास होती है या फिर 38,800 के आसपास होती है। दोस्तों अगर माइनस में ओपन होती है तो हमें अभी कुछ नहीं करना है, जब तक प्राइस एक्शन बनेगी उसके बाद ही जिस तरफ मूवमेंट मिलती है हमें उसी तरफ हमें ट्रेड लेना है, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। अगर ये ट्रेड कब लेना है, जब इसी जोन में ओपन होती है, यानी हमारा फ्लैट जोन कौन सा मैंने बताया आपको 38,376 और ऊपर की साइड में मैंने बताया आपको 38,600। इसके बीच में ओपन होके इसको ब्रेक करेगा तभी आपको इसमें ट्रेड करना है, वरना प्राइस एक्शन को आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं ना लेवल में आपको दे देता हूँ अभी 38,381, दूसरा है ऊपर की तरफ में कौन सा रहेगा हमारा 38,600, ये हमारा कौन सा लेवल रहेगा फ्लैट जोन रहेगा। नीचे की साइड में पहला टारगेट हमारा आएगा 38,150, दूसरा टारगेट आएगा हमारा 37,900 और ऊपर की साइड में पहला टारगेट आएगा हमारा 38,700, दूसरा टारगेट आएगा हमारा 38,800 और तीसरा टारगेट आएगा हमारा 38,900। जैसे कि मैंने आपको गुरुवार को जो टारगेट दिया था बैंक निफ्टी के लिए डाउन की साइड में, उन्होंने गैप डाउन में ओपन होकर दोनों टारगेट उसने अचीव कर लिया है, तो आपको ट्रेड करने का मौका भी नहीं मिला होगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं सोमवार को क्या होता है, ये देखते हैं कि निफ्टी में अब क्या होगा। इससे पहले देख लेते हैं कि फ्राइडे को निफ्टी ने क्या किया। दोस्तों मैंने आपको गुरुवार की वीडियो में बताया कि निफ्टी बहुत ही अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो डेफिनेटली निफ्टी ऊपर ही जाने वाले थे, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ये सीधा डायरेक्टली क्लोजिंग हुआ नेगेटिव में, माइनस में। माइनस में कितना क्लोजिंग हुआ, तो उसका गुरुवार को क्लोज हुआ था 605 पे और शुक्रवार को उसका ओपनिंग हुआ 70,451, यानी माइनस
और 150.150 पॉइंट माइनस में ओपन हुआ फ्रेंड्स निफ्टी। और निफ्टी में मैंने जो लेवल दिए थे आपको वो भी अचीव हो गया है एक ही झटके में 307 के बीच में। ओके, और को निफ्टी क्या कर सकती है दोस्तों, हमारा फ्लैट जोन रहेगा सोमवार के लिए ये वाला, इसको मैं निकाल लेता हूँ अभी फिलहाल। कौन सा लेवल रहेगा हमारा फ्लैट जोन 70,300 और 70,400 के बीच में। अगर निफ्टी फ्लैट जोन में ओपन होती है और डाउन के साइड में 70,300 ब्रेक करती है तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स 70,250 और दूसरा टारगेट आएगा फ्रेंड उसका 70,150। और ऊपर की साइड में अगर ये लेवल ब्रेक कर होता है, कौन सा लेवल रहेगा हमारा 70,400, तो उसका पहला टारगेट आएगा उसका 70,450 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 70,550। ओके, मैं इसको भी निकाल लेता हूँ अभी, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ये सोमवार को भी माइनस में ओपन हो सकती है। अगर माइनस में निफ्टी ओपन होती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है फ्रेंड्स। ये लेवल मैंने जो आपको दिए है वो लेवल फ्लैट का लेवल दिया है, यानी फ्लैट यानी इसी जोन में ओपन होता है उसके बाद ही ये किसी भी तरह ब्रेक करेगा तभी आपको ट्रेड लेना है। और अगर माइनस में ओपन होती है 70,150 के आसपास और उसके बाद 150 को ब्रेक करती है तो ये 70,050 तक आ सकती है फ्रेंड्स। उसका लेवल मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। प्राइस लेवल रहेगा हमारा ये लेवल रहेगा 70,300 से 70,400 अपना फ्लैट जोन रहेगा और डाउन के साइड में 300 को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट आएगा हमारा 70,230, दूसरा टारगेट आएगा हमारा 70,150, तीसरा टारगेट आएगा 70,050 राउंड फिगर। ओके, और ऊपर की साइड में देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगर 70,400 ब्रेक करती है निफ्टी तो 70,450 पहला टारगेट हमारा रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 70,550 और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 70,600। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसको शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक दिया है, अगर आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इस लिंक से ओपन करा सकते हो।